शुक्रवार को बड़वा महाविद्यालय की विभिन्न संख्याओं में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह 11 बजे से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इच्छुक विद्यार्थी सुबह 8 बजे से ही पहुंचकर कॉलेज में लाइन लगाकर खड़े हो गए। ऐसे में इन सीटों पर एडमिशन के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विद्यार्थियों को टोकन वितरित किए गए। टोकन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने फॉर्म जमा कर ऑनलाइन फीस भरकर एडमिशन ले लिया। प्रवेश समिति प्रभारी डॉक्टर एस के शर्मा ने बताया कि जो विद्यार्थी वंचित रह गए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। एडमिशन समिति के प्रभारी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत बीएमएस 47 सीटें थीं, जिस पर सर्वाधिक 271 वेटिंग थी। बीएमएस सभी 47 सीटों के लिए विद्यार्थियों को टोकन दे दिए गए और शेष वंचित रहे। नांद्रा की जया पाटीदार एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा सूचना मिली कि सीट नहीं है तो वो मायूस होकर गई। इसी दौरान मीडिया कर्मियों के द्वारा जानकारी मिली कि 4 सीट अभी भी शेष हैं, जिसके बाद उन्हें प्रवेश खिड़की पर जाकर एडमिशन लिया। जया ने बताया कि वो पिछले दिनों में 4 बार कॉलेज में आकर पूछ चुकी है, लेकिन सीट नहीं होने की जानकारी दी गई जबकि सीट खाली थी। देना चाहिए कि पहले से कि ये टाइम है, हम 3-4 रोज से दौड़ रहे। एक रोज बोला कि हाँ आज देंगे, उस रोज भी फिर बोले कि दूसरे रोज आना। हम दूसरे रोज आए तो फिर बोला कि 6 तारीख को आना 11 बजे, तो हम आज आए 6 तारीख को। उससे पहले टोकन बांट दिए, पहले आओ पहले पाओ ये नहीं होना था। पहले जैसे एडमिशन हो रहे थे वैसे होना चाहिए, क्योंकि ग्राम क्षेत्र से आते बच्चे, इस बस नहीं आती, बस टाइम से आती, हम किससे आए। कुछ वाहन हो हमारे घर तो हम वाहन से भी आ सकते हैं, वाहन नहीं होने के कारण हम लेट भी हो जाते। जी मैं एमए पॉलिटिकल साइंस के एडमिशन लेने थी। एडमिशन मिला? जी अभी मिल चुका है, लेकिन उसके पहले मैं 5 बार आई थी, मुझे ये बताया गया था सीटें फुल हो चुकी है। आज जो भी सीट्स हमारे यहाँ वैकेंट हैं, और उच्च शिक्षा विभाग के ये आदेश थे कि पहले आओ पहले पाओ के तहत हमें एडमिशन देना है, और उस आधार पर हमने एडमिशन दिए। उच्च शिक्षा विभाग के उसी लेटर में था कि एक प्राचार्य जो है वो 10% लेकर 25% तक अपने जो संसाधन है उस हिसाब से सीट्स बढ़ा सकता है। जहाँ पर हमारे कॉलेज में बहुत सारी डिमांड थी बीएससी बायो में और बीए प्लेन में, हमने वहाँ पर 25% तक सीटें बढ़ा दी है। एमए पॉलिटिकल साइंस में, एमकॉम में भी हमने 25% सीट बढ़ा दी है, और इस तरह से ज़्यादा विद्यार्थियों को हमने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश देने का प्रयास किया। हाँ, इसमें यह कि जैसे जो टोकन बांटे गए आज वो फीस भर सकते हैं शाम तक, शाम को 5-6 बजे तक जब तक भरें, और उसके बाद भी अगर कुछ खाली सीटें हो जाती हैं तो कल मौका उनको मिल जाएगा। हाँ, इसमें जैसे बीए में 47 सीट बढ़ी अपने यहाँ क्रम के हिसाब से, और एम ए एमकॉम में 8-8 सीटें बढ़ी हैं, और बायो में 13 सीट बढ़ी है, यानी 17 सीट बढ़ी है। तो पूरा ये लिस्ट भी है हमारे पास, तो जितना सुविधा लड़कों की हो सकती है पूरी सुविधा, हमने कहा कि बार बार बच्चे परेशान होते हैं तो पूरी क्षमता अनुसार बढ़ा दो। शासन ने जो कहा है उसका पूरा पालन हमने किया है।